तो भाई कैसे हो आप सब? मैं ऐसे करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बड़े तीनों शैतानों को चारा डालना अभी तक बाकी है, इनको बेचारा लाइट आने के बाद ही डल पाएगा। और राजा को टैंक के अंदर ही रखा है, कल भी रह गया था, और मतलब 2 रात इसके टैंक के अंदर गुजर गई और 2 दिन और उसको निकाला ही नहीं, टैंक के अंदर ही था। और अपने डॉग का मस्ती का टाइम है ये देखो। और आज ठंडी नहीं लग रही, रात को थोड़े बादल थे और रात को थोड़ी हल्की बारिश भी हुई थी नॉर्मल, तो बादलों की वजह से ठंड नहीं लग रही। अभी तो धूप निकल गई सुबह की। और इनका काम है खेत में जो बांध बनाए उनको तोड़ने का, इधर पूरे मतलब अभी पूरे खेत में नए से पूरे बांध बनाने पड़ेंगे। हल से अभी नहीं बन पाएंगे, तब बनाए थे तब ये फसल नहीं थी, अब तो फसल बड़ी हो गई तो अभी हाथों से ही पूरा काम खेत में बांध बनाने का करना पड़ेगा। और ये कभी सुनते ही नहीं, ज़्यादा ही बदमाश हो गए वो। और बैल कल खेत में काम था इसलिए इनको फार्म पे यहाँ पे चारा डल गया था रात को, तो अभी ये सुबह जाएंगे या फिर आज भी क्या है उनके आने के बाद ही पता चलेगा, रहने देना है या फिर चराने को ले जाना है। और अपनी सभी गायों को आज खोला ही नहीं है, सभी गाय बंधी हुई है, इनको खोल देते लेकिन अभी चाची जी बोल रहे कि बाद में चारा डालने के बाद खोल देंगे, तो इनको बांध के रखा हुआ है सबको। और सभी छोटे शैतानों की जगह आज कर दी फिर से चेंज, वहाँ पे थोड़ा गीला हो गया था तो आज इस जगह बांध दिया है। तो बैलों के पास भी बहुत सारी जगह लेकिन वहाँ पे कौन बांधता ही नहीं, ये इधर ही लेके आते और यहीं पे बांध दिया जाता है। तो ये सभी रहे, इनको बेचारा मिलेगा थोड़ी देर बाद। लक्ष्मी भी ये रही, लक्ष्मी के लिए कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्मी कहीं भी चारा खाते हैं क्योंकि मकई की फसल थोड़ी बड़ी हो गई तो लक्ष्मी चाहे तो यहाँ पे खा सकती है। चाचा जी खाने को बैठ गए, डॉग ये रहे दो यहाँ पे, दो डॉग वहाँ पे रहे, एक चारे के अंदर जाके बैठा है, ये रहा मोती चारे के अंदर। और चारा लेके आना पड़ेगा, कल चाचा जी सुबह में लेके आ गए थे लेकिन अभी तक आज लेके आए नहीं हैं, तो अभी हम बैलगाड़ी में या फिर हाथों से लेके आएंगे लाइट आने से पहले। और ये दोनों हम खाने को बैठते तो ये भी आ जाते, तो ये हमारे साथ ही यहाँ पे इनको भी खाना दे देते, हम यहीं पे खा लेते। देखो चाचा जी ने उनको थोड़ी खिचड़ी डाल दी है तो ये यहाँ से खा रहे, अभी बिल्कुल नहीं डरते, हम यहाँ पे खाते हैं हमारे पास ही, यहाँ पे डाल दो यहीं पे खा लेते। ये देखो अभी डाल रहे चाचा जी, ये देखो ये डाल दिया, ये दोनों ये रहे, और ये भाई साहब ये रहे, तो ये भी इनको डाल देते हैं तो ये भी आ जाते हैं और बीच में इनको परेशान करते हैं और इनका खाना खा लेते हैं। सभी करते हैं खाने की शुरुआत। तो अभी तक अपनी गाय को खोला नहीं है और सभी बाकी तो बैठ गई, बाकी खड़ी है, तो इन सभी को अभी चारा डालने के बाद ही खोलेंगे। लाइट आई नहीं है, लाइट का इंतज़ार है। और चारा लेके आ चुके हैं, बच्चों ने भी सभी ने बैठ लिया क्योंकि वो भी इंतज़ार करके थक गए, उन्होंने भी सोच लिया भाई चलो अभी तो खाना मिलेगा नहीं जल्दी। तो यहाँ पे लक्ष्मी ने बैठ लिया और बाकी साइड में सभी शैतान बैठ गए हैं, तो इन सभी को अभी चारे का इंतज़ार है और हमें लाइट का इंतज़ार है। चारा लेके आ चुके हैं बैलगाड़ी में, चाचा जी आज भी चले गए हैं गाय चराने और दोपहर के बाद खेत में दवा छिड़कने का काम करेंगे, स्प्रे करने का, पिताजी या फिर मैं दोपहर के बाद कोई भी एक जन गाय चराने के लिए जाएंगे। इन बड़ों ने भी यहाँ बैठ लिया है, अभी सिर्फ लाइट का इंतज़ार कर लेते हैं, लाइट आती है तो चारे की कुट्टी करेंगे, कुट्टी करके सभी गायों को डाल देंगे, पानी भरना पीने का टैंक में वो काम करेंगे। तभी तो इन दोनों को भी सुबह में हमारे साथ, हमने खाना खाया इन्होंने दाने खाए, साथ में हो गए हम सब ने खाना और इन्होंने दाना खा लिए। तो सामने लक्ष्मी चारा खा रही तो ये यहीं पे खा लेगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं। और अपने छोटे शैतानों को भी चारा मैंने रख दिया है, इनको इन दो को ज़्यादा रखना पड़ता है, ये दोनों का पेट है बड़ा और ये ज़्यादा खाते हैं तो इनको ज़्यादा रखा है, और इनको कम इसलिए रखा है क्योंकि ये भी तो खाते अच्छा ही है लेकिन ये भाई साहब ऐसे गिराते हैं उसके अंदर, ये देखो ऐसे ऐसे करके ये थोड़ी देर बाद ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसमें अंदर और डालो और ये अभी जाएगा सीधा यहाँ से उठा के यहाँ पे, ये कुछ काम के आने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि ये भाई साहब कुछ काम में आने नहीं देते। और ऐसे करके पेड़ डाल के ये कभी कभार इसको ही गिरा देता है और पूरा ही गंदा, तो इसलिए हम इनको 2-3 बार इसको इन दोनों को रखते हो मैं, उनको एक ही बार में हो जाता है लेकिन इनका नहीं हो पाता। और ये इसलिए आए क्योंकि इनको चाहिए दाने, दाने भी इनको डाल देते हैं
बड़े तीनों शैतानों को भी मैंने भरपेट और ज़्यादा डाल दिया है भाई। अभी देखो आता हूँ मैं आपको, चार जंगली कबूतर है देखो, चारों के चारों उड़ गए मुझे देख के। चारों आए थे और अपने फार्म के अंदर गायों को चारा भी मैंने हरा और सूखा मिक्स डाल दिया है और ये सब यहाँ से खा लेंगी। अभी जा रहे हम उस वाली फार्म की गाय चराने, चाचा जी लेके गए। अभी चाचा जी वापस आ रहे फार्म पे, वो बोल रहे दवाई छिड़कने का काम करना है। तो पिताजी तो देरी से आएंगे क्योंकि वो जा रहे हैं दूसरे गांव, क्योंकि अपने यहाँ पे अपने ट्रैक्टर का जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया, मतलब उसमें जो चीज़ें लगने वाली थी वो अपने यहाँ पे नहीं मिलती, तो वो बाहर जाके वो चीज़ें लेके आएंगे। और आज और कल, आज के आज वो ट्रैक्टर को जो काम है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि आज उसका अपने ट्रैक्टर की जो ट्रॉली उसका पूजन करना है, तो मुहूर्त है आज का, इसलिए हम आज कर रहे हैं। बाकी जो बचे काम है वो बाद में कर लिए जाएंगे, लेकिन पूजन आज होना चाहिए, इसलिए वो देरी से आएंगे। चाचा जी खेत में दवाई छिड़ने का काम करेंगे और हम चल रहे अपनी उस वाली फार्म की गाय चराने के लिए। तो भाई ये देखो सामने दूसरों की गाय चर रही है और इस साइड में अपने हैं। चारा तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है थोड़ा हरा, इसलिए खा रहे सूखा चारा। खेतों में ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे इनको पसंद नहीं, हरे के पीछे यहाँ तक पहुँच गए। अभी हम रुकेंगे गाय चराने, आज पूरा दिन जाएगा या फिर दोपहर तक, पता नहीं कितना टाइम अपने को गाय चरानी है, उसके बाद देखेंगे। फार्म पे तो हम सारे काम निपटा के आए थे, टैंक में सिर्फ पानी भरना बाकी था पीने का, और मतलब सभी जगह पानी भरना ही बाकी था। चारे का काम मैं करके आ गया था, गोबर उठाना होगा तो दोपहर को उठाया जाएगा, तो अब सुबह का उठा लिया था। तो अभी रुकते हैं, कितना टाइम लगता है पता नहीं, खेत में दवाई छिड़कने को, उसके बाद ही हम फार्म पे वापस जा पाएंगे। तो अभी हम इस वाले फार्म पे वापस आ चुके हैं और चाचा जी ने बच्चों को पानी पिला के पूरा सूखा चारा रख दिया है, इसमें हरा चारा बिल्कुल नहीं है, पूरा सूखा है। हम डालते थे तब हरा और सूखा मिक्स या फिर हरा इतना ही डालते थे, लेकिन चाचा जी ने हरे का नाम और निशान मिटा दिया, सिर्फ सूखा दे दिया। मकई का है इसलिए खा रहे, अगर ये बाजरे का रहता तो बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन सूखा मकई का खाते हैं, तो इनको भी सिर्फ सूखा दिया है, इनको भी सब सूखा ही दे दिया है। उसमें से चुटकू के पास इतना बड़ा ढेर कर दिया और महाराज के पास बहुत कम है और इसमें चुटकी भी है, तो हम जाते टाइम देख लेंगे जिनका ख़त्म होगा इधर उधर कर देंगे। अभी तो इनको भी है, अगर कम लगेगा जाते टाइम इनको भी हरा चारा डाल के जाएंगे या फिर देखेंगे, अगर नहीं भी डालेंगे होगा तो बचा हुआ। तो फार्म के अंदर चाचा जी गोबर उठा रहे हैं और चाचा जी ने खेत में दवाई का काम भी स्प्रे करने का कर दिया है। तो अभी कबूतरों को चाची जी दाना दे रही हैं, बच्चे यहाँ पे थे सुबह, यहाँ से चाचा जी ने हटा दिया सबको, सुबह वही चले गए। ये चंपू यहाँ पे अंगड़ाई ले रहा है, ये चंपू क्या करता है तू? तो अभी चाची जी कबूतर को बुला के दाने दे रहे हैं। तो वही अभी बच्चों का खाना बहुत सारा बचा हुआ है, पूरा उन्होंने खाया नहीं, इनका बचा है, इस साइड में इनका बचा है और इनका भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और इस भाई सब का ज़्यादा है तो इसका इधर कर देते थोड़ा। महाराज देखो टैंक के अंदर से पानी पी रहा है, मैंने टैंक में भी पानी भी चालू कर दिया टैंक भरने के लिए, और भाई सब को मैंने बाल्टी से रखा तब नहीं पिया, और अभी देखो टैंक के अंदर मुँह डाला, मतलब इसको बाल्टी से पानी पीना अच्छा नहीं लगता, टैंक के अंदर ही पानी अच्छा लगता है, तो वही से पी रहा। और फार्म के अंदर सासी जी ने गोबर उठा लिया है, अभी चल रहे हम वापस से अपनी उस वाली फार्म की गाय चराने। तीन बज चुके हैं तो दो घंटे चलानी, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच या साढ़े पाँच बजे तक हमें वापस फार्म पे लेके आनी है। चारा काटना बाकी है तो चाची जी अभी चारा ही काटेंगे, वो बोल रहे मैं जाता हूँ गाय चराने, लेकिन मैंने बोला कि आप रुको, तो आप ये चारा काटना है इतना कर देना और गायों को बांध के खुराक जो हम हर दिन करते वही काम है, तो आप करो, हम सुबह से जा रहे तो अभी भी जाके आते, कल से देखेंगे हम या फिर जो कोई भी जाना चाहे कल जा पाएगा। तो अभी अपने गाय बैल बच्चे सभी आ चुके हैं चरने के लिए, ये रहे सामने सभी। अभी हमें सिर्फ इस वाली लाइन से इन पेड़ों के साथ साथ आगे चलते चलना है और इनको ऐसे अंदर में रखना है, अंदर में पूरा खुला है, तो लास्ट तक जहाँ पे सामने पेड़ दिख रहा है वहाँ तक चलाते हुए जाएंगे, वहाँ से फिर ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे और अपना जो खेत लिया था वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ से रिटर्न उतने टाइम में अपने को दो घंटे हो जाएंगे और वापस फार्म पर पहुँच जाएंगे। तो सामने है लक्ष्मी, ये सो गया यहाँ पे टाइगर, और अभी इनको खाने की कोई कमी नहीं, ये अभी फार्म पे नहीं खा रहे क्योंकि इनको मिल गया है बहुत अच्छा खाना,
किसी के गाय का बछड़ा मर गया है, उसने फेंक दिया है। तो ये भाई साहब अभी वही जा रहे खाना खाने, तो फार्म पे नहीं खा रहे, उनकी रोटी भाकर सब पड़ी हुई है। उधर का पेट फुल हो के आते हैं तो इधर खाते ही नहीं। और इन सबको अभी अंदर लेना है, और इन चारों को भी खुराक मिल चुकी है, इन तीनों को सूखी देनी बाकी है। और इन सारी गायों को खुराक दे दी है और फार्म के अंदर चारा भी डाल दी है। अभी सिर्फ फार्म के अंदर जो काम है दूध निकालना वही बाकी है। कबूतरों को भी वो तो अपने घर में पहले ही चले गए, तो उनको सिर्फ बंद करने का ही बाकी रहता है। और राजा भी आज भी टैंक में ही रहेगा, तो राजा को निकालना बंद हो गया। अभी देखेंगे किस दिन दिक्कत आएगी उसी दिन निकालेंगे। अब आज भी राजा टैंक के अंदर ही रहने वाला, तो अभी सिर्फ फार्म के अंदर अपनी गाय को दूध निकालना का काम बाकी, वो निकाल लेते हैं फिर अपने काम हो जाएंगे। तो अभी फार्म के अंदर अपनी गाय खुल गई है चारा खाने के लिए, और बच्चों के लिए भी सेफ्ट रूम में रख दिया, और बच्चे भी सेफ्ट रूम में बंद हो गए और छुटकी बाहर से। और डॉग को खाना अभी देना बाकी है, तो डॉग को खाना देते हैं, राजा वही रहेगा, कबूतर हो गए बंद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सब पसंद लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।